गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा में कार्यरत हूँ। आज हम टीटीसी एलआरडीसी की चैनल के ऊपर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिक कंप्यूटर की हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेसिकली एक बेसिक आर्किटेक्चर था जो कि वॉन न्यूमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जिस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है। द कॉम्प्लेक्स और केयरफुल डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, जैसे कि आप किसी भी का भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो उसको डिज़ाइन करने का जो भी मेथड होता है वो सारा सारा स्ट्रक्चर आपको क्या कहलाएगा, आर्किटेक्चर कहलाता है। ये कॉम्प्लेक्स भी होता है और ईजिली केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। तो अर्ली डेज में क्या होता था, आप जैसे देख रहे हैं सामने ये मशीन्स होती थी, बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी। जैसा कि हमने देखा है कि पुरानी जो मशीन्स थी कंप्यूटर की वो बहुत बड़े बड़े रूम के साइज़ की होती थी। तो सबसे पहले हम बात करें फिक्स प्रोग्राम की। जैसे कि हम एक कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर के लिए हम जैसे एक बेसिक कैलकुलेटर की बात करते हैं जो कि सबसे कॉमन कैलकुलेटर आता है, उसके अंदर हम बात करें तो दे वर डिजाइन टू वेरी स्पेसिफिक ऑपरेशन, एक फिक्स ऑपरेशन के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। जैसे हम कैलकुलेटर का देखें तो जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग काम लेते हैं। एक कैलकुलेटर ये फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, इसको हम एक फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये फिक्स हम लोग इनपुट देंगे और ये फिक्स ही आउटपुट देगा। इट कैन डू बेसिक मैथमेटिक्स बट इट कैन नॉट यूज एज द वर्ड प्रोसेसर और गेमिंग कंसोल। अगर हम मैं बात करूँ कि मैं अपने कैलकुलेटर से मैं गेम खेलना चाहूँ या मैं सोचूं कि इससे मैं टाइप करके वर्ड की फाइल सेव कर लूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चेंजिंग द प्रोग्राम ऑफ फिक्स प्रोग्राम मशीन रिक्वायर रीवायरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिजाइनिंग द मशीन्स। जब भी हम इसको अगर नए उसमें तब्दील करना चाहें तो इससे पॉसिबल नहीं है। इट कुड टेक 3 वीक्स टू सेटअप प्रोग्राम ऑफ द एनी कैन गेट इट वर्किंग। जो एनी क्राम का हमारा पहला फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था उसमें 3 सप्ताह आपको कम से कम चाहिए थे उसको डिज़ाइन करके काम करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोर प्रोग्राम की। ए स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर इज वन दैट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। हम जब भी स्टोर प्रोग्राम की बात करें तो उसके अंदर जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा मेमोरी के अंदर सेव होंगे, देयर फॉर ईजिली रीप्रोग्रामिंग। इसलिए जब भी हमें नया प्रोग्राम इसमें बनाना हो तो हम इसको ईजिली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वॉन न्यूमैन इज ए स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है। आप सुना उन्हें प्रिंसटन आर्किटेक्चर, इसको प्रिंसटन आर्किटेक्चर बोलते हैं। इंट्रोड्यूस बाय जॉन व्यू न्यूमैन के बारे में मतलब बताया गया है। ये ए हंगरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड कंप्यूटर साइंसिस्ट। इमेज इसलिए दिखाई जा रही ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे एग्जाम में कि जैसे ठीक है इमेज क्लिक करके आपको याद आ जाए कि वॉन न्यूमैन ने मतलब ये बनाया था। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे इनपुट डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके कि टोटल 3 भाग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर की हम लोग लास्ट क्लास में बात की थी, उसमें आपके एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ मेमोरी यूनिट आपके देखा होगा कि ये बायडायरेक्शनल होगी, मतलब मेमोरी से आप सीपीयू में डेटा लोगे भी और मेमोरी में वापस भेजोगे भी, इसके बाद में एक आउटपुट आपके डिवाइस लगी होंगी। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज द एबिलिटी टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी अलोंग विद द डेटा ऑन विच दोज इंस्ट्रक्शन ऑपरेट। तो सबसे पहले तो हमें जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है वो अपने पास होना चाहिए और किसके ऊपर हमें परफॉर्म करना है, मतलब ऑपरेंड जो डेटा होगा वो भी अपने पास होना चाहिए। जैसे मेरे को एडिशन करना है तो ए डबल डी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो गया, और जैसे ए और बी के ऊपर परफॉर्म करना है तो ये आपके ऑपरेंड हो गए। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डिस्क्राइब ए जनरल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर दैट ए कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग एंड डेटा शुड फॉलो। जितने भी अपने कंप्यूटर डेटा वो है वो सारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं। इवन ऑल द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस आर डिजाइन बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के ऊपर ही हमारे सारे जो मोबाइल डिवाइस है, मॉडर्न कंप्यूटर्स है, वो डिज़ाइन किए गए हैं। मीन्स आप इनपुट दोगे उसके बाद में सीपीयू उसके ऊपर परफॉर्म करेगा, इंस्ट्रक्शन आप मेमोरी से लोगे, डेटा आप मेमोरी से लोगे, मेमोरी में आपका आंसर वापस सेव कर दोगे और आउटपुट डिवाइस से उसको ले लोगे। इट इज 3 बेसिक कंपोनेंट। जो बेसिक 3 कंपोनेंट की बात करें हमें तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस, सीपीयू और मेमोरी। बसेज डिनोटेड बाय द एरो कैरियर द डेटा अराउंड। जो कि आपने बाय डायरेक्शनल और डायरेक्शनल देखा है वो बसेज होगी, मीन डेटा को किस कैरियर के द्वारा आप लेके जा रहे हो। तो सबसे पहले हम इसके पहले पॉइंट की बात करते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। द इनपुट आउटपुट इंटरफेस अलाउ द कंप्यूटर्स मेमोरी टू रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड सेट डेटा
टू आउटपुट डिवाइस। जब भी हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस की बात करें, तो जैसे मेरे को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाना है, मीन्स जैसे आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो तो आपका इनपुट जा रहा है डेटा। अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट टू यूजर एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क एंड टेप ड्राइव। तो जो भी हम इनपुट देंगे वो डायरेक्ट कम्युनिकेट किससे होगा, आपके सेकेंड स्टोरेज से होगा। यूज़र के लिए इनपुट सबसे पॉसिबल पाथ होता है जो अपना इनपुट इसके अंदर दे पाता है। इसके बाद बात करें हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, कैन बी कंसिडर द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इसको हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं। इंक्लूड थ्री मेन कंपोनेंट, तीन मेन कंपोनेंट होंगे आपके, एक तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम कंट्रोल यूनिट की, रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोलिंग हाउ डेटा मूव अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि कंट्रोल यूनिट मीन्स ये क्या करेगा, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होंगे उनके ऊपर क्या करेगा, ये हमेशा कंट्रोल करेगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाई ए सिक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस बाई द कंट्रोल यूनिट। तो जो एग्जीक्यूशन होगा इंस्ट्रक्शन का, वो सारा सारा किसके द्वारा, सिक्वेंस किसके द्वारा डिसाइड होगा, वो आपके कंट्रोल यूनिट द्वारा डिसाइड होगा। इसके बाद बात करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कैरीज आउट द कैलकुलेशन एंड लॉजिकल डिसीजन रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके बारे में ये लॉजिक डिसीजन लेंगे इसके द्वारा। द इनपुट टू एन एल यू आर द डेटा टू बी ऑपरेट ऑन कॉल्ड ऑपरेंड्स। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि ऑपरेंड के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑपरेंड कहलाएंगे। एड ए कोड इंडिकेटिंग द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, द एल यूज आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्म ऑपरेशन। जैसे मैंने एडिशन करवाया तो उसके लिए ए डबल डी आपका क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन कहलाएगा, और ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड कहलाएंगे। तो रजिस्टर के बारे में बात करें, रजिस्टर के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके लास्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन मेड बाय द एलयू टेम्परेरी, जो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, एक्यूमुलेटर हमेशा आपका टेम्परेरी रिजल्ट को स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी डील्ड विथ, क्योंकि जो मेमोरी है, मेमोरी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसके अंदर आपको हो सकता है कि एक ऑपरेंड यहाँ पे हो, दूसरा ऑपरेंड दूसरी जगह से हो, तो प्रोग्राम काउंटर आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसको हमेशा क्या करता है, पॉइंट करता है। देन पास ये दिस नेक्स्ट एड्रेस टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को क्या कर देता है, पास कर देता है। इसके बाद में हम देखते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, स्टोर मेमोरी लोकेशन फॉर डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी फेस फ्रॉम मेमोरी और स्टोर इन टू मेमोरी। इसके बाद में बात करते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन फेस फ्रॉम मेमोरी और एनी डेटा दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड एंड स्टोर इन द मेमोरी। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर और देख रहे हैं अपन यहाँ पे, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टोर द मोस्ट रिसेंटली फेस इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज वेटिंग टू बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूट। जो मोस्ट करंट इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका सी आई आर के अंदर आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें मेमोरी की, द कंप्यूटर मेमोरी यूज टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। जो भी आपका इंस्ट्रक्शन और डेटा होगा वो हमेशा आपके मेमोरी के अंदर सेव होगा। यहाँ पे हम जो मेमोरी की बात करते हैं वो हमेशा आपके प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम लोग आज मोबाइल खरीदने जाते हैं या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ से पूछते हैं कि इसकी रैम कितनी है, मीन्स आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी कितनी है, क्योंकि आपके कंप्यूटर की या सीपीयू की परफॉर्मेंस हमेशा रैम के ऊपर डिपेंड करती है। कंसिस्ट ऑफ मैनी मेमोरी सेल्स ऑफ ए फिक्स साइज, तो जो भी आपकी मेमोरी होगी वो छोटी छोटी सेल में डिवाइड होगी। ईच सेल हैज एन एड्रेस एसोसिएटेड विद, और सब सेल अपना अपना एक एड्रेस रखेगी। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कोई टाइल्स लगी हुई है एक रूम के अंदर, तो आपने टाइल्स देखा होगा कि चौकोर के अंदर ब्लॉक ब्लॉक बने होते हैं, तो मेमोरी भी आपकी बिल्कुल ऐसे वैसे ब्लॉक की तरह रहती है। और अगर मैं हर टाइल्स के ऊपर एक एड्रेस फिक्स कर दूं तो एक मेमोरी साइज की तरह रिएक्ट करेगा। टू ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेमोरीज आर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी के डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे मेमोरी है इसमें मेमोरी आपकी डिवाइड हो रखी है। मेमोरी विड्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी की विड्थ कितनी है, हाउ मेनी बिट्स इज मेमोरी सेल, टिपिकली 1 byte। जैसा कि मतलब अगर हम रो बाय बात करें रो में, तो रो के अंदर टोटल आपके जो जितने कॉलम होंगे वो उसकी विड्थ कहलाएगी। जैसे 8 bit यहाँ पे टोटल रो में है तो आपकी 8 bit मेमोरी हो जाएगी। एड्रेस विड्थ, हाउ मेनी बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच एड्रेस, एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए ये आपकी वो बताएगी। एड्रेस स्पेस, द नंबर ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइड मेमोरी लोकेशन, टोटल कितनी मेमोरी लोकेशन से वो आपके एड्रेस स्पेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे मेमोरी की साइज 20 मेरे मेमोरी की साइज 1 MB है, मीन्स 2 की पावर 20। तो आपको एड्रेस कितने आवश्यकता होंगे उसके लिए, 2 की पावर
20 मतलब 20 बिट का आपको एड्रेस की वहाँ पे आवश्यकता होगी, और 2 की पावर 20 आपको एड्रेस की यहाँ पे आवश्यकता होगी। एडवांटेज क्या होगा वो न्यूमैन आर्किटेक्चर का, कंट्रोल यूनिट्स गेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द सेम वे फ्रॉम वन मेमोरी। तो ये वन मेमोरी से डेटा को लेता है। इट सिंप्लीफाइड डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रोल यूनिट, डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड फ्रॉम डिवाइस आर एक्सेस इन द सेम वे। तो डेटा आपका मेमोरी से होगा वो भी सेम वे में एक्सेस होगा। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन द हैंड ऑफ द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के हाथ में होता है कि वो मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज करे। क्योंकि जो लेटेस्ट कंप्यूटर आए हैं तो आपने देखा होगा सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा के ऊपर हम वो न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, लेकिन अभी जो करंटली चल रहा है मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, तो उसके लिए हम लोग नए नए इसके अंदर आर्किटेक्चर काम में ले रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा, सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग डज नॉट अलाउ पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि इसमें आपने देखा है कि आप सीरियली हर टास्क को परफॉर्म करोगे, मीन्स आप एक इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग एक ही डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शन काम करेगा और एक सिंगल आपका आउटपुट होगा। पैरेलल एग्जीक्यूशन आर सिमुलेटेड लेटर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। वन बस इज बोटलनेक, ओनली वन इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस एट द सेम टाइम। तो एक टाइम के ऊपर आपका केवल एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपके जो बस की है बस भी आपके वन डायरेक्शनल हो जाती है। तो जो हम आज के सिनेरियो के अंदर हम कंप्यूटर्स की बात करें, तो आज के सिनेरियो में कंप्यूटर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा के ऊपर काम करते हैं। जहाँ पे हम लोग आपके ऊपर बात करें, हम यहाँ पे पाइपलाइनिंग की बात करें, तो पाइपलाइनिंग एग्जैक्टली वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में पॉसिबल नहीं है। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एज द डेटा कैन बी एक्सीडेंटली रिटर्न बाय एनर इन ए प्रोग्राम। अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है वो सेम मेमोरी के अंदर ही है, तो इसके अंदर आपका जो कॉन्फ्लिक्शन है वो रीड राइट का, वो कॉन्फ्लिक्शन के आपको कोई ना कोई एल्गोरिथम्स या प्रोग्राम रन करवाने पड़ेंगे। अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर क्या थे इसके, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इसके अंदर आपके प्रोग्राम मेमोरी सीपीयू डेटा मेमोरी और डिवाइस हो गए। मेमोरी फॉर डेटा वाज सेपरेट फ्रॉम द मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि इंस्ट्रक्शन के लिए और डेटा के लिए दोनों को दोनों की मेमोरी हमेशा क्या कर दी, अलग अलग कर दी, जिससे वो आपका कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। टू मेमोरी विथ टू बसेज अलाउ पैरेलल एक्सेस टू डेटा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैन बी टू देन फास्टर। मीन्स अगर जैसे आप टू मेमोरी कर दोगे तो टू बसेज होगी, तो वो पैरेलल एक्सेस डेटा कर पाएंगे इंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, इसलिए ये 2 गुना आपके इससे फास्ट हो जाएगा वो न्यूमैन से। बट कंट्रोल यूनिट ऑफ टू बसेज इन मोर कॉम्प्लिकेटेड मोर एक्सपेंसिव, लेकिन 2 बसें एक साथ लगाना मोर कॉम्प्लिकेटेड और मोर एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जो बेसिक हम बात वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर की बात करें, जो कि आज के सारे कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पैरेलल इंस्ट्रक्शन की या पैरेलल डेटा की, तो वॉन न्यूमैन उसके अंदर फिट नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने समरी एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट, ये आपको स्पेशल याद रखना है कि स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर काम करता हैज़ 3 मैन कंपोनेंट, 3 मैन कंपोनेंट रखेंगे। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर स्टिल यूज दिस 70 ईयर ओल्ड फंडामेंटल कंसेप्ट। ये सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि एक 70 ईयर्स ओल्ड फंडामेंटल कंसेप्ट को अभी भी मॉडर्न कंप्यूटर यूज ले रहे हैं। हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर, इसके अलावा अल्टरनेट आर्किटेक्चर की अवेलेबिलिटी भी है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।